एमपी ट्रांसको द्वारा आयोजित मानव संसाधन कार्यशाला, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको ने रीवा में एक संयुक्त मानव संसाधन कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता कार्यालय जबलपुर से संबंधित विभागों के अधिकारी ने रीवा और शहडोल क्षेत्र में क्रमिकों और आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का एक स्थान पर त्वरित निवारण किया। इसमें वे समस्याएं भी शामिल थी जिनके लिए क्रमिकों को मुख्यालय जबलपुर आना पड़ सकता था। मुख्य अभियंता आर के खंडेलवाल ने बताया कि बाह्य सेवा प्रदाता और आउटसोर्स कर्मियों को जागरूक करने और उन्हें सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देने का उद्देश्य था और इस कार्यशाला को एमपी ट्रांसको के विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला को एचआर आपके द्वार थीम पर आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया और इसके साथ ही शंकाओं का भी समाधान किया गया। एमपी ट्रांसको के बाह्य सेवा प्रदाता और आउटसोर्स कर्मियों को चिकित्सा लाभ और बीमा हित के बारे में जानकारी दी गई और भविष्य निधि के प्रावधानों के बारे में भी बताया गया, जिनमें क्षेत्रीय भविष्य निधि उपायुक्त मोहम्मद अकील अहमद सिद्दीकी और प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद चौधरी शामिल थे। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आर के सिंह ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जबलपुर से आए एमपी ट्रांसको के विधि अधिकारी सियाराम शर्मा द्वारा क्रमिकों को कानूनी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उपसंचालक वित्त और लेखा शिव योगी हीरा मठ ने सामूहिक बीमा योजना और वित्त से संबंधित जानकारी विस्तार से प्रदान की। साथ ही मौजूद क्रमिकों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। कार्यालय सहायक एस के पुनेवार ने उच्च वेतनमान, चिकित्सा और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एचआर मैनेजर नुसरत सिद्दीकी ने एचआर के माध्यम से अधिकारियों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।